जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर आज हम बात करने वाले हैं देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए किसमें आई हुई है ये आई है आपकी वाटर बिंग एग्जामिनेशन 2022 हजार बाईस बी एस एफ वाटर बिंग की वैकेंसी निकली हुई है किस किस की वैकेंसी है ग्रुप बी की है ग्रुप सी की है वाटर बिंग इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट मेल कैंडिडेट फॉर्म इसको भर सकते हैं तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है और कितनी कितनी वैकेंसी किस किस कैटेगरी में आपको मिलने वाली ओनली मेल कैंडिडेट की यहाँ पर लिखा हुआ है चलिए देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर आपको मिलेगा आपको सिंपली यहाँ पर देखना है कि सब इंस्पेक्टर मास्टर की वैकेंसी कितनी है यहाँ पर आप देखेंगे जनरल वालों की पाँच है ई की एक है ओ की आपकी एक है एस की कोई नहीं है एस की एक है टोटल वैकेंसी आपकी आठ है यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं आगे हम बात करें सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की आपकी जर्नल की आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगा दो वैकेंसी हैं ई की एक है एस की दो है एक और टोटल मिला के पोस्ट हैं सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप की आपकी दो पोस्ट हैं हेड कॉन्स्टेबल मास्टर की आपकी बावन पोस्ट है हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की आपकी चौंसठ पोस्ट है और अलग अलग फिर हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और उसमें भी क्राइटेरिया दे रखी है मैकेनिकल है इलेक्ट्रीशियन की एसी टेक्निकल की ये टोटल दे रखा है और यहाँ पर इनकी क्राइटेरिया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी पर दे रखी है वो भी आपको डिटेल से बताया हुआ है तो वैकेंसी आपकी काफी अच्छी आ रखी है एक बार इसको रीड आउट कर लेंगे ये है टोटल आपका और टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी है इक्यासी वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेगी अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी है अब आगे इसकी जो इंपोर्टेंट डेट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वो जरूरी है देखिए यहां पर नोट में लिखा हुआ है सबसे पहले वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बी एस एफ रिजर्व द राइट रिजर्व द राइट टू मेक चेंज और कैंसिल द पोस्टेंड मतलब इसको वैकेंसी को पोस्टपेंड और इसको इंक्रीज वैकेंसी को करने का जो भी ऑथरिटी है वो बी एस एफ के पास है एनी अमेंडमेंट नोट आपको किस पर मिल जाएगा ये बी एस एफ की साइट है एच टी टी पी एस बी एस एफ डॉट जी ओ वी डॉट इन यहाँ पर जाइए सारी डिटेल आपको 100% परसेंट ऑथेंटिकेशन के साथ मिल जाएगी कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन दिया हुआ है टेन वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी इन द रेस्पेक्ट ऑफ पोस्ट आपको पे सिलेबस के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल से दिया हुआ है वो देख लेते हैं देखिए ऐसा ही मास्टर के लिए पे लेवल सिक्स पे लेवल सिक्स पैंतीस हजार चार सौ से एक लाख बारह हजार चार सौ तक की पे देखने को मिलने वाली है पे लेवल सिक्स लेवल सिक्स में आते हैं ध्यान रखिएगा एस आई मास्टर ऐसा इंजीनियर ड्राइवर ऐसा ही वर्कशॉप ये आते हैं उसमें अब हेड कॉन्स्टेबल की बात कर लें हेड कॉन्स्टेबल मास्टर किस में आते हैं ये लेवल फोर में आते हैं पच्चीस हजार पच्चीस हजार पाँच सौ से इक्यासी हजार सो पे मैट्रिक्स में आते हैं अगर कॉन्स्टेबल की बात करें कॉन्स्टेबल पे लेवल थ्री में आते हैं इक्कीस हजार सात सौ से उनहत्तर हजार सो इन पे लेवल मैट्रिक्स आपको डिटेल दिया हुआ है अगर आगे बात करें इन्होंने दिया हुआ है कि आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के अगर इनकी एलिजिबिलिटी की बात कर लें क्या कुछ मांगा हुआ है देख लेते हैं देखिए ऐसा ही मास्टर हैं आप तो आपकी एज जो है 22 से 28 साल होनी चाहिए ऐसा ही इंजीनियर की 22 से 28 साल होनी चाहिए ऐसा ही वर्कशॉप की कितनी होनी चाहिए 20 से 25 साल होनी चाहिए हेड कॉन्स्टेबल मास्टर की आपकी एज होनी चाहिए बीस से पच्चीस साल ऐसे इंजन ड्राइवर की आपकी होनी चाहिए 20 से 25 साल 20 से 25 मतलब बाकी जितने भी क्राइटेरिया हैं वो आपकी 20 से 25 साल नीचे वालों की होनी चाहिए आगे देख लेते हैं किस तरह से एज में छूट भी मिली है एस सी की पाँच साल जैसी नॉर्मली होती है यहाँ पर देखने को मिलने वाली है और ओ के लिए तीन साल आपकी होनी चाहिए बाकी नीचे पढ़ लेना इसमें क्या कुछ है एज की छूट की अलग अलग डिटेल इसमें दी हुई है काफ़ी लंबी जोड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा इसको निकाल रहा हूँ देखिए नोट यहाँ पर देखो एज और कैंडिडेट एज के बारे में कुछ बताया हुआ है एन सी में किस तरह से करना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है भरना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या कुछ इसमें मांगा हुआ है सब इंस्पेक्टर मास्टर की बात कर लेते हैं टेन प्लस टू और इक्विवेलेंट फ्रॉम द ए रिकोगनाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए उसके साथ साथ सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंटर और इस्ट इन लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ये आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके बाद सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर देख लेंगे टेन प्लस टू तो होना ही चाहिए वो किसी भी बोर्ड से होना चाहिए तो उसके साथ साथ आपको फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंटर ऑफ स्टेट ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए तो अलग अलग वैकेंसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आप एक बार चेक करते रहना ये दिया हुआ है सारा एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिएगा जल्दी देख लेंगे ये सब इंस्पेक्टर का हो गया आपका यहाँ पर हेड कॉन्स्टेबल मास्टर का हो गया फॉर्म एक टेंथ चाहिएगा और सरंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ये यह है यहाँ पे स्ट्रीमिंग बोर्ड वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ड्राइवर के लिए यहाँ पर है ये सारे इसमें क्राइटेरिया आपको दे रखी है डिटेल से देख लेंगे और एक चीज सबसे बढ़िया जो इसमें वैकेंसी आपको मैं बता दूं सिटी क्रू की है इसमें मेट्रिकुलेट फॉर्म में रिक्नाइज बोर्ड होना चाहिए वन ईयर एक्सपीरियंस ये सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं होगा उसके बाद आगे दे रखा है शुड नो स्विमिंग इन डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंट एंड एन बिल अप लोड एंड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट एज पर फॉर्म एफ ओ एडवरटाइजमेंट सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सी क्रू की वैकेंसी देखते हैं उसके लिए जाते हैं तो आपके पास टेंथ होना चाहिए एक सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके साथ साथ जो अनेक्सर एफ है वो मैं दिखा दूंगा उसको भी आपको भर के देना है अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें यहाँ पर तो इन्होंने यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है क्या कुछ है देखिए यहाँ पर हाइट होनी चाहिए आपकी एक सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए तिहत्तर से फुलाब के साथ अठहत्तर होना चाहिए उसके साथ आपका पर्सनल बिलोंग टू हिल एरिया और गुवाहाटी उनके लिए एक सेंटीमीटर बासठ सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए पिछहत्तर सेंटीमीटर से अस्सी सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है उसके बाद आपको एस कैंडिडेट के लिए अलग दिया हुआ है एक सेंटीमीटर ये एक बार चेक कर लेना ठीक है मेडिकल स्टैंडर्ड का यहाँ पर बात की हुई है एक बार देखेंगे टैटू टैटू के रिलेटेड बात है साइज कितना होना चाहिए साइज मस्ट बी लेस देन वन बाई फोर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट किसी भी पार्ट पर एक बटे चार का होना चाहिए एक बार देख लेंगे अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं वो देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कुछ मांगा हुआ है देखिए तो सेकंड फेज uh, पहला क्या होगा फर्स्ट फेज में आपका रिटर्न हो जाएगा उसके बाद बी में क्या होगा डॉक्यूमेंट Document, डॉक्यूमेंटेशन होगा फिजिकल मेजरमेंट होगा पी होगा और ट्रेड टेस्ट होगा मेडिकल होगा ये आपका पार्ट ए में पार्ट बी में खत्म होने वाला है ठीक है फे फेज वन फेज टू फेज वन में आपका रिटर्न हो जाएगा और सेकंड में आपका डॉक्यूमेंट होगा फिजिकल होगा पी एच टेट टेस्ट और मेडिकल हो जाएगा काम खत्म आगे चलते हैं फेज वन में क्या क्या कुछ है कैसे है इसका जो एस आई मास्टर एस आई ई डी एंड एस आई वर्कशॉप के लिए क्या कुछ है रिटर्न एग्जाम में वो देख लेते हैं देखिए जनरल नॉलेज आएगी आपकी पच्चीस नंबर के पच्चीस मार्क का होगा दो घंटे का पेपर होने वाला है रीजनिंग आएगी बीस पच्चीस क्वेश्चन होंगे पच्चीस नंबर का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के और ट्रेड अवेयरनेस आएगा 25 क्वेश्चन और टोटल नंबर हो जाएंगे आपके सो 100 मार्क्स का होगा मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है दो घंटे का टाइम मिलेगा आगे देखते हैं आगे क्या कुछ है देखिए फोर पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल मास्टर एच सी ई डी एच सी वर्कशॉप के लिए क्या कुछ है इसमें दिया हुआ है डिटेल से देखिए यहाँ पर देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस कितना पैंतीस क्वेश्चन होंगे पैंतीस नंबर के उसके बाद रीजनिंग होगी पैंतीस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा तीस और उसके बाद टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सौ क्वेश्चन होंगे सौ नंबर का टोटल आपका जो हवर होने वाला है ये आपका दो घंटे का होने वाला है ठीक है आगे देख लेते हैं ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इससे तो कहीं ज़्यादा आपकी मेरिट चली जाती है ओमा सीट वेस्ट होगा ये सब कुछ आगे देखते हैं इनकम ये लगने वाला है फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है ए वन मील रेस आठ मिनट में और हाई जंप है तीन फुट छः इंच तीन अटैम्प मिलेंगे और लॉन्ग जंप ग्यारह फिट तीन अटैम्प मिलेंगे ट्रेड टेस्ट होगा एक बार ट्रेड टेस्ट के बारे में देख लें मेडिकल एग्जाम होगा उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लग जाएगी हाउ टू तो अप्लाई ये जरूरी है कब से स्टार्ट हो जाते हैं ये देख लेते हैं तो देखिए ये क्या होगा ऑनलाइन मोड के थ्रू हम कर सकते हैं और कौन सी वेबसाइट है रिक्रूटमेंट डॉट बी एस एफ डॉट जी ओ वी डॉट इन पर डायरेक्ट जाकर कर सकते हैं और तीस पाँच मतलब आज से ये ऑनलाइन अप्लाई होने शुरू हो गए हैं ठीक है आगे देखते हैं आज से अप्लाई होने स्टार्ट हो गए जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा लास्ट टाइम में आपका समय नहीं बचेगा और साइट भी हैंग होने लगती है कितनी फीस लगने वाली है यहाँ पर आपको दिया हुआ है कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एस आई मास्टर एस आई इंजीनियर ड्राइवर एंड एस आई वर्कशॉप टू पे दो सौ रुपये आपको पे करना होगा और उस ग्रुप बी के लिए और ग्रुप सी के लिए आपको सौ रुपये पे करना होगा ठीक है नेट बैंकिंग या ऑनलाइन के थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हैं आ, ये सेंटर दे रखे हैं कोलकाता गुवाहाटी ये आप देख लेना बेंगलोर ये इनके सेंटर होने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं चेक कर लेना एक बार इसको भी आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है क्या जो बताना चाहिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाकी आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना मैं डिस्क्रप्शन में इसका लिंक दे दूँगा आगे देखते हैं आगे देखते हैं ये हो गया प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन नहीं पार्ट वन हो जाएगा ये क्या क्या आपको Uh, देना है आधार कार्ड पैन कार्ड पासवर्ड ये दे सब देख लेना बाकी मुझे लगता नहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस वीडियो में यही था और बाकी कुछ अदर इसके बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट देता रहूँगा